दोस्तों देखिए, ये एक मॉडिफाइड ई रिक्शा है और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी को थ्रोटल देने से मोटर के पीछे से झटका ले रहा है लेकिन गाड़ी चल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मोटर के सेंसर खराब होने के कारण से होता है और कभी कभी कंट्रोलर या फिर वायरिंग के कारण भी होता है। तो देखिए इसमें भी चार बैटरी है और 48 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो देखिए इसका मोटर पीछे के साइड पे है, तो सबसे पहले हम मोटर का सेंसर को चेक करके देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कंट्रोलर और वायरिंग को भी देखेंगे। तो देखिए इसका कंट्रोलर फ्रंट साइड पे है, ड्राइवर सीट के नीचे है। तो चलिए ड्राइवर सीट के नीचे आपको सेंसर चेक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों जहाँ पर आपको हॉल इफेक्ट सेंसर का जो कपलर है उसको ढूंढना है, तो देखिए ये हॉल इफेक्ट सेंसर का कपलर है, इसमें 5 तार लगा हुआ है। एक आपका 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव है और 3 आपको हरा पीला और ब्लू में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको चेक कैसे करना है मल्टीमीटर से, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है, यानी कि बाजार राउंड जो होता है उस पे सेट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों सबसे पहले जो हॉल इफेक्ट सेंसर का प्लस माइनस का सेक्शन है उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है कि ना वो पहले चेक कर लेता हूँ। तो उसको चेक करने के लिए देखिए जो हॉल इफेक्ट सेंसर का कपलर है उसमें देखिए 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि ब्लैक तार और रेड तार है, उसको देखिए मीटर का जो ब्लैक तार और रेड तार है उसी पे रखना है। तो देखिए ये मल्टीमीटर का आपका ब्लैक तार है यानी कि काला तार है, नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव पे रखना है, और देखिए ये आपका पॉजिटिव है यानी कि रेड है तो इसको रेड पे रखना है। अब देखिए एक रेजिस्टेंस शो करेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रेजिस्टेंस शो हो रहा है, यानी कि इसका जो प्लस माइनस का सेक्शन है 5 वोल्ट का वो सही है, ठीक है। अब दोस्तों एक एक सेंसर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का रेड वायर को हॉल इफेक्ट सेंसर का जो ब्लैक वायर है उस पर रखना है, और अभी दोस्तों देखिए हरा पीला और ब्लू एक एक तार पे टच करके देखना है। तो देखिए ये पहले वाला जो है इसमें रेजिस्टेंस हो रहा है यानी कि ये सही है। अब जो बीच का है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, यानी कि हरा जो है, तो देखिए इसमें कोई रेजिस्टेंस हो नहीं हो रहा है, ग्रीन वाला में कोई रेजिस्टेंस हो नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको जो ब्लू है, ब्लू में भी दिख रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि ब्लू सेक्शन, ब्लू का सेंसर और जो येलो का सेंसर है वो सही है, और बीच का जो देखिए ग्रीन वाला सेंसर है वो आपका इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये सेंसर कट चुका है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको मीटर से, मल्टीमीटर से हॉल इफेक्ट सेंसर को चेक करना है पहले। तो चलिए अभी इसका जो मोटर है इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, गाड़ी से खोल लेता हूँ। तो देखिए मोटर में आपको 5 को एलन की बोल्ट पहले खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 5 नंबर के एलन की रेंज चाहिए। तो देखिए मेरे पास एक 5 नंबर का एलन की रेंज है, इसी की मदद से इसका जो सभी बोल्ट है मोटर का उसको पहले खोल लेता हूँ। तो देखिए मोटर को खोल लिया, अभी दोस्तों मोटर को ओपन करना है। तो देखिए ये 1000 वाट का मोटर है, तो इसका पीछे का जो पहले ढक्कन है उसको खोल लेता हूँ, ठीक है। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 6 को एलन की बोल्ट मिलेगा जो कि आपका 4 नंबर का एलन की रेंज से खुल जाएगा। तो चलिए सभी एलन की बोल्ट को पहले खोल लेता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए खोल लिया, अभी दोस्तों इसका देखिए क्या कंडीशन हुआ है। इसका जो फेज वायर है यानी कि हरा पीला और ब्लू का जो फेज वायर है वो देखिए आपस में एक साथ टच हो गया था, ठीक है। यानी कि इसका ओवरलोड के कारण से देखिए मोटर का जो इंसुलेशन है, वायर का जो इंसुलेशन है वो हट चुका है, और इसमें देखिए जो मोटर का हॉल इफेक्ट सेंसर का जो ग्रीन वाला में जिसमें रेजिस्टेंस हो नहीं हो रहा था वो देखिए इसमें चिपक गया था, और देखिए चिपक के आपका बीच में ब्रेक हो गया यानी कि टूट गया तार, और टूटने के कारण गाड़ी का मोटर जो है झटका ले रहा था, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर आपका ओवरलोड के कारण से होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस मोटर में अभी हम सेंसर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेंसर जो है सही है, इसका जो वायर है वायर टूटने के कारण आपका प्रॉब्लम हो रहा था, तो वायर को देखिए फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। ग्रीन वाला जो वायर है जो टूटा हुआ है उसको अच्छी तरह से छिल के इसमें सोल्डरिंग थोड़ा कर देंगे और करके आपका जोड़ देंगे, और बाकी जो आपको फेस वायर दिख रहा है जिसमें इंसुलेशन हट चुका है तो उसको हम स्लिपिंग ट्यूब से अच्छी तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। मोड़ के मोटर को आपका जो है गाड़ी पे फिटिंग कर देंगे। तो देखिए फाइनली हम मोटर को गाड़ी पे लगा लिया, अभी दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था झटका लेने का वो ख़त्म हो गया और गाड़ी जो है फिर से चलने लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।